में भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर तहसील कार्यालय में मोर्चा निकाला गया। इस वक्त भाजपा अध्यक्ष संजय कनौजिया, राजेश खंडेलवाल, उज्जवल रायबोल, योगेश गैधाने, उमेश राड़के, लाल सिंह यादव, राजेश देशमुख, गोपाल सिरिया, प्रमोद वर्णम, मंगेश यादव, बंटी पिल्ले और अन्य पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। ओबीसी आरक्षण पर अगर राज्य सरकार ने जहां जल्द से जल्द कोई फैसला नहीं लिया तो तीव्र आंदोलन का इशारा बीजेपी अध्यक्ष संजय कनौजिया ने किया है। आज हम सरकार को ये जिताना चाहते हैं कि अगर से हमारे को आज रिपोर्टेशन के माध्यम से आज ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन के माध्यम से हमारी अगर योजना ओबीसी को हक नहीं मिला तो एक बड़े रूप में जन आंदोलन की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक आंदोलन की तैयारी हमारे नेताओं के माध्यम से तैयारी की जा रही है। हमारी ओबीसी के जो आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण है, जिस प्रकार से निरस्त किया गया और ये महाराष्ट्र सरकार ने ये इसको अनदेखा किया, इसके अनदेखा करने के कारण ही कोर्ट से इसका निरस्त किया गया। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द जो आने वाले चुनाव में सभी ओबीसी समाज को न्याय मिले, ऐसा हमारा आज इसके माध्यम से हमारा अगर से ये जल्दी नहीं हुआ तो बड़े रूप में हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एक बड़ा आंदोलन के रूप में हम लोग ये करेंगे। बीकेबी न्यूज़ के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट।